तो गाइस 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 माइनक्राफ्ट एसएमपी के डे 2 की शुरुआत आज हो चुकी है। तो फिर आज हम क्या करने वाले हैं? देखो, लास्ट एपिसोड में हमने ये बनाया था जिसके अंदर एक विलेजर था। ये देखो, ये विलेजर है। निल्ले कुछ काम वाम कर लिया? अगर धंधा है कुछ तेरे पास? नहीं है? रुक जा, देता हूँ, इधर आ। इसको पहले कुछ हम काम वाम देंगे, सबको बाद में देंगे काम, अभी छोड़ो। अभी तो सबको कुछ, हमें एक फार्म वार्म शुरू करना है छोटा सा पहले। तो फिर हम फार्म बनाएंगे आज हम, फिर ड्रैगन नेक्स्ट वीडियो या फिर थोड़े टाइम बाद जब हमारा बहुत सारा सामान बन चुका होगा तब हम बनाएंगे वो, ठीक है? तो पहले हम ले लेते हैं ये जो फार्म बनाने की इक्विपमेंट्स है। अभी हम इसके ऊपर भी फर्नीचर रखने जाएंगे गाइस। तो फिर चलो यहाँ पर रख देते हैं हम। अपनी प्यारी दुनिया में हमने एक और चीज़ बनानी स्टार्ट कर दी है, और यहाँ तक एक्सटेंड करते हैं इसको थोड़ा सा और। इसके अंदर ज़्यादा एनिमल्स नहीं होंगे, जू ही टाइप है ये बस। यहाँ तक बस, ये थोड़ा सा और ऐसे जाएगा ये, अभी थोड़ा सा आगे से जाएगा ये, अभी अंदर ही जाएगा। अब जाएगा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, नहीं और नहीं है। ओके, बस यहाँ तक ही। तो फिर ये हमारा अभी ढांचा बनना है सिर्फ, अभी हम इसके अंदर काम करेंगे बहुत सारा। अभी हमने यहाँ पर डालना थोड़ा सा पानी, फार्म नहीं कर रहे हम, थोड़ा सा पानी तो डालेंगे ही ना, ताकि जो प्लांट्स हम अंदर लगाएंगे थोड़े से एनिमल्स के लिए वो तो सही रहे। कुछ बाहर से तो नहीं टूट रहा ना, और अंदर का नहीं टूट रहा, बीच के बस ब्लॉक से नहीं टूट रहे। ओके, तो ये वाला ब्लॉक तोड़ देता हूँ बस। तो अब हमें डालना है वो ऊंचा, वो ऊंचा, अच्छा सब वो ऊंचा, पूरी जगह पे डालना है हमें। ओके, यस, ये भी कर लिया गाइस मेरा यहाँ तक अभी हमने ये। ओके, तो हमने पानी वानी डाल लिया है, जब हम इसे यहाँ पर बीच में ही नहीं है। हाँ, तो बस इतना ठीक है। अब यहाँ पर आएगा हमारा एक पिगलिंग, एक पिग आ जा भाई। अभी ये क्या है, पिगलिंग हेड भाई, पिगलिंग का भी सर डाल के काट दिया। दो काओ और एक शीप। तो ये सब एनिमल्स आएंगे हमारे अभी तो अंदर। दो शीप आ गई, ओ भाई पहले शुरू हो गई ये तो। ओके, एक काओ, दो काओ और 6 पिग्स, तीन पिग्स ठीक है, इनके लिए इतनी जगह तो ठीक है वैसे अभी तक। थोड़ा सा वीट ग्रो कर देंगे इनके लिए, डर्ट ये खा जा भाई, खा जानी चाहिए ग्रास, तू वही का लायक है तू। अभी हम इनको देंगे वीट, वीट सिर्फ काउस के लिए। करो शुरू, बस एक ही बच्चा ठीक है, इनको भी खाने। हाँ चलो तुम भी शुरू हो जाओ, भाई बाहर ही नहीं आ पाते भाई ये तो। हो गए, हमारा भी बच्चा हो गया एक, इनका भी हो गया। अब तुम क्या खाओगे? कैरेट्स, वाला रोटी, गोल्डन कैरेट देकर देखूँ उनको खाएंगे ये, देखूँ गोल्डन कैरेट खाओगे? नहीं खाएंगे। ओके, वाला पिग अकेला रह गया। ओके भाई, अब दो दो बच्चे मिलेंगे, तीन तीन बच्चे मिलेंगे, ये भी जल्दी बड़े हो जाएंगे, इनको भी खाना देते हैं हम। बस आज के लिए इतना ही हो गया भाई तुम्हारा, जाओ इतने घर जाओ भाई तुम बस। ओके, तो हमने इतना छोटा सा फार्म भी बना लिया है, इसके एक डक मिसिंग है बस।
डकलिंग। यार क्या कहते थे उसे, वो हटा दिया क्या उसे? भाई ऐसा तो नहीं करना चाहिए भाई, मेरे को नहीं अच्छा लग रहा भाई ये इस वर्ल्ड में अब खेलना। भाई डक हटा दी इन्होंने शायद। भाई ये चिकन, एक दो तीन, एक हम यहाँ पर भी स्पॉन करेंगे। हाँ तो बस ठीक है, टिल्लू पिल्लू किल्लू इन सब के नाम है। टिल्लू पिल्लू किल्लू सब बढ़िया। अबे विलेजर किधर भाग रहे? ओके यस, चल अंदर घर में, चल घर में, चल अपने घर में चल। धंधा वंदा है नहीं कुछ करना, चल घर में चल। ओके तो अब हम चलते हैं अपर लगाने फर्नीचर। बहुत छोटा था ये फार्म था मेरा, पहले ही बोल दिया था मैंने। ओके ऊपर अब हमारे लगाएंगे अब फर्नीचर। फर्नीचर में हम लगाएंगे, हेलोवीन भी आने वाला है, हेलोवीन हम सेलिब्रेट करते नहीं हैं, तो फिर हेलोवीन का को देखेंगे गाइस, अगर मन करेगा तो लगाएंगे। चेस्ट लाए, वो एक चेस्ट ले ली भाई। उसे कैसे थे उसका मैं हमेशा नाम भूल जाता हूँ। हाँ लेक्टर्न, लाइव बुकशेल्फ, क्राफ्टिंग टेबल की तो जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पर, कैंप फायर्स की भी नहीं। एन्चांटमेंट टेबल चाहिए हमें, तभी तो मैंने बुक्स ली हैं। एन्चांटमेंट टेबल हमने लगाना है यहाँ पर, तो फिर एक दो तीन चार पाँच, यहाँ से ना बुक्स आती हैं फिर बहुत सारी, समझ में आती है फिर। यहाँ पर हम लगाएंगे अपनी बहुत सारी चेस्ट, तीन चार, एक दो तीन चार पाँच छः। ये एक छोटी सी बुक लाइब्रेरी होगी हमारी, हमने भी एक लाइब्रेरी भी बनानी है गाइस, तो फिर उसके लिए भी रेडी हो जाना उस वीडियो के लिए, या फिर इस वीडियो में हम स्टार्ट कर दें लाइब्रेरी बनाना। यार मज़ा नहीं आएगा लेकिन, सारी एक ही वीडियो में कर देंगे हम तो। हाँ अब एक हम लगाएंगे लेक्टर्न, जिसके ऊपर हम लिखेंगे बुक्स, लेक्टर्न। और हमें क्या चाहिए? स्टेयर। स्टेयर किस काम के लिए चाहिए वो आपको पता है, लिखेंगे बैठ के बुक। हाँ तो फिर ये वाली शेल्फ लेते हैं। ओके ये हमारा पीसी है गाइस, यहाँ पर मैं बैठ के अपनी माइनक्राफ्ट खेलता हूँ। ओके यहाँ पर हम लगाएंगे साइड में एक लैंटन। लैंटन की तो गाइस बहुत ज़रूरत होती है, और अंदर बारिश ना आए हमें उसके उसके भी ब्लॉकेज का काम चाहिए। तो फिर पहले तो मैं यहाँ पर इसको पूरा कवर अप कर देता हूँ लैंटन से ही, इतनी जगह रोशनी ठीक है अभी तक तो। ऊपर से अब कवर करेंगे हम इसे ग्लास से, ग्लास से, ग्लास पेन से नहीं गाइस। फिर आपने अगर लास्ट वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कि मुझे क्या क्या सामने करने पड़े थे ग्लास पेन लगाने के लिए। ओके तो डे टू में गाइस हमने अभी तक इतना कुछ कर लिया है, हमारे प्रोग्रेस अभी इतना है, और अभी बहुत कम वीडियो बनी है गाइस, हमने इतना कुछ कर लिया अपनी। गाइस देखो हम फास्ट बेबी, वो करण साज के डायलॉग कॉपी कर रहा हूँ गाइस मैं, आई एम फास्ट बेबी। ओके और दो सब कुछ डाल लिया गाइस मैंने, सुबह का वेट कर रहा हूँ गाइस मैं। एक काम करता हूँ जल्दी से, आप सोने नहीं जाना मुझे। ओके अभी गाइस हम थोड़ी देर में वर्ल्ड को इजी मोड पे कर देंगे, क्योंकि ऐसे मज़ा नहीं आ रहा, कोई मॉब वॉब नहीं आ रहा हमें मारने के लिए। ओके अभी तक तो ठीक चल रही है सब कुछ, तो फिर हाँ, यार मैंने पेन तोड़ दिया गलती से, शिट कोई नहीं, इसको बाद में फिक्स करूँगा मैं, कर दूंगा। लेकिन मैं हम फिर गाइस एंड में इस वर्ल्ड को नहीं फोड़ने वाले। अगर आपको पता है मेरा पुराना वर्ल्ड का क्या हाल था पहले, तो फिर ठीक है आपको पता है मैंने उसको TNT से सारा फोड़ दिया था। अभी भी बता रहा हूँ मैं सबको जिन जिनको नहीं पता था। हाँ मैंने क्यों फोड़ा था मेरे को पता नहीं, मेरे को बस
वीडियो पे व्यूज़ चाहिए थे मैंने इसलिए फोड़ दिया, और इस वीडियो पे सिर्फ 20 व्यूज़ आए। वो शॉर्ट था गाइस सिर्फ, वैसे अगर आपको देखना है तो देख लेना जाकर मेरे चैनल पर, ये मैं लिंक नहीं डालूंगा डिस्क्रिप्शन में, ये बहुत छोटा सा ही शॉर्ट था, कोई गाना भी नहीं लगा हुआ उसके पीछे, तो फिर आप बोर ही हो जाओगे ऑब्वियसली। और अभी गाइस ये छत जो है ना, ये कवर करने में बहुत टाइम लग रहा है यार, हर एक चीज़ में बहुत टाइम लगता है यार। पेंट्स चाहिए थे यार मुझे, पेंट लगाते तो ज़्यादा सुंदर लगते हैं। ऊपर से बारिश भी आएगी ना अब तो, फिर ऊपर रुक जाएगी, मज़ा आएगा फिर वो देखने में। लेकिन अगर पेंट लगाता तो फिर वो तो सीधे लगते ही ना। हाँ वो तो लगते ही नहीं भाई सीधे, ऐसे जैसे ये ग्लासेस लग रहे हैं, ग्लास भाई फिर भी सही है भाई, सारा जल्दी से खींचना पड़ेगा। ओके। फिर भी गाइस मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ इस वीडियो में, इस वीडियो पे मेरा टारगेट है कि मेरे को 48 बिलियन व्यूज यार नहीं आएंगे कभी भी चैनल पे, तो कभी नहीं आएंगे पक्का बता रहा हूँ मैं, इस वीडियो को छोड़ो चैनल पे ही कभी नहीं आएंगे व्यूज़ कभी चैनल पे, टोटल में भी नहीं, मेरे 62,000 बनते हैं अभी व्यूज़ मेरे, एंड स्टिल मैं हार्ड वर्क कर रहा हूँ, रोस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ गाइस मैं सबको अभी भी, किसको रोस्ट मारूंगा इसमें बताओ आप। मैं नेक्स्ट रोस्ट वीडियो बनाऊँगा एक महाशय पर, नहीं वो तो उसके ऊपर तो बहुत बना ली गाइस हमने। ओके ये प्यार से बैठे हुए हैं अंदर, कोई नहीं बैठा, तो फिर एक लेक्टर्न लेंगे जल्दी से, एक एंट्री गेट भी तो बनाना चाहिए यार मुझे, मैं घुसूंगा कहाँ से अंदर, हाँ यहाँ से घुस तो जाऊँगा आराम से, एक विलेजर लगाते हैं जल्दी से, एक विलेजर ढंग का, साइड में बैठ जा भाई तू थरी। अबे यार ये वाले नहीं चाहिए मुझे, इनको इनके लिए भाई जो विलेजर्स नहीं अच्छे लग रहे ना मुझे, इनको मैं नज़र वर्ड से मार दूंगा ठीक है। तो वैसे ये रूल है हमारा, जो विलेजर्स मुझे नहीं सही ढंग के लग रहे, क्रेट मारूंगा इसको, तो दो हिट में मर गया बेचारा। मुझे लाइब्रेरी नहीं चाहिए, तेरा भाई यही काम है, तो बस यहाँ पर घूमेगा और कुछ नहीं जाएगा। ओके तभी हम आ चुके हैं नीचे, और नीचे है हमारा कुछ नहीं काम, इसको जिंदा देंगे यार कुछ, इस वाले बंदे को भी पागल सा लगता है मुझे वो, फटनेस पे तो कुछ करेगा नहीं वो, तो फिर इसको हम दे देंगे यहाँ पर एक लेक्टर्न या फिर कुछ और दे देंगे। और कौन आया है ये, क्यों आया है यहाँ पर वो, इसके ना बंदे छोड़ा लूँगा, इसको ना टाई कर लूँगा एक विलेजर्स को, इसको बांध सकते हैं हम, लीश दे सकते हैं इसको, इसका इलामा ट्रेड कर रहा हूँ मैं, चल जा निकल, उसकी लीश भाई इसको पता भी नहीं है शायद, ये मेरे फार्म में बैठेगा आज से। तुम्हारा भाई दोस्त आया एक, मिल लो इससे, एंड भाई मेरा एक डॉगी नहीं है भाई इस वर्ल्ड में, बैठे वो मेरे घर के अंदर ऐसे घुस ले मेरे भाई के, आज से गाइस वो बंदा मेरा भाई है ठीक है, चल तू भी मेरा दोस्त है आज से, आजा। ओके ये लगेगा फिर अब उसके बिल्कुल साइड में, ओके दोनों भाई भाई। एनविल भी चाहिए गाइस मुझे अभी एक ऊपर, जिससे मैं अपने कुत्तों का नाम रखूँगा, एनविल। ओके एनविल ले लिया, डॉग ले लिया, अच्छा वुल्फ होते हैं वो तो, माइनक्राफ्ट वाले भाई अलग ही हैं, वो तो मेरे हमेशा ही हाथ में रहेगा ना वुल्फ, और रेड रेड कौन से कलर की डाय दे लेता हूँ, डाय ब्लैक डाय, और नेम टैग सबसे इम्पोर्टेंट, हड्डियाँ बोन्स
एनी बोन्स, बस देख रहे हो गाइस कितने को संभालने का इतना काम होता है। ओके दो खा गया गाइस हड्डी। नेम टैग में लिखेंगे हम, इसका नाम हम रखेंगे, ये मेल डॉग है ना, हाँ तो इसका नाम हम रखेंगे खच्चर। नहीं यार, हाँ खच्चर। ओके गाइस नेम टैग अंदर नाम लग चुका है, नेम खच्चर। डाई ब्लैक सेठ नहीं बैठेगा, बेटा तू मेरा कुत्ता है, ये बात नहीं सुनी तूने, तू मेरा कुत्ता है ना, तू उधर ही बैठेगा आज से, तेरे को छोड़ भाई, अनलीश, तेरे को अनलीश कर रहा हूँ मैं, ये तू मेरा कुत्ता है, मैं जा रहा हूँ देख यहाँ से बाय, मेरे पीछे नहीं आना, वो कुत्ता नीचे भी आ जाए, देखो आ गया ना नीचे, टेलीपोर्टेबल होते हैं ये। तो गाइस जिस जो भी मुझे मारेगा ये उसको काटेगा बिल्कुल, जैसे अगर एंडरमैन दुनिया में आएगा। तो गाइस एक खच्चर भी मिल चुका है हमें सही में गाइस, इसको भी लीश करते हैं, इसका भी हम लगाएंगे यहाँ पर, अगर कोई भी एक घोड़ा भी मिल गया हमें तो उसको भी हम लगाएंगे वहाँ पर। तो भाई बस आ जा मेरे पीछे। ओके तो अभी हम चल रहे हैं गाइस आगे, क्योंकि हमने अब क्या करना है, कुछ करने के लिए नहीं है और तो अभी। तो एक काम करते हैं हम जल्दी से ना, कुछ नया बिल्ड बनाते हैं, एक लाइब्रेरी स्टार्ट कर दूँ यार, यार वीडियो फिर बोरिंग हो जाएगी अगर मैंने अभी स्टार्ट कर दी लाइब्रेरी। तो फिर पहले हम अभी चले सब कुछ चेक कर लेते हैं, ये लाइब्रेरियन बन चुका है अभी, वहाँ पर हमारा सब कुछ होता है जरूर ना, तो और ये हमारा फार्म है जहाँ पर पानी भी है अंदर थोड़ा सा, यार यहाँ पर फूलों की कमी है थोड़ी सी, फूल नहीं यार ये नहीं, ये वाले देखो लगेंगे यहाँ पर, ये खा जाएंगे सब। ओ अंडा दे दिया वाह बेटे वाह, मौज कर दी। तो गाइस अभी तीन लोग हमारे साथ ट्रैप्ड हैं, खच्चर आ जाओ ऊपर मेरे साथ, अब क्या करें, डोरबेल वाला घर भी है हमारा, एक सब कुछ है यार, ऊपर वाला घर मेरा ही तो है, वो टॉप फ्लोर पे ये मेरा ही तो घर है गाइस, क्या लग रहा था आपको, कोर्ट हाउस है ये, हाँ कोर्ट हाउस ही है गाइस, वो मेरा घर नहीं है, घर की तरह वर्क करता है ऐसे मेरे, लेकिन ऊपर मैं बना सकता हूँ एक छोटी सी छत। ओके ये गाय इसको ना मैं स्प्लैश पोशन ऑफ लावा दे देता हूँ, पोशन ऑफ फायर रेजिस्टेंस 6 मिनट का। ओके गाइस इसको फायर रेजिस्टेंस हो रही है मेरी तरह, वो भी रेजिस्टेंट है गाइस, देखना गाइस अभी टेलीपोर्ट करके नीचे आएगा मेरे पास, ये देखो नीचे आ गया, देखा अबे, दिखा तो 6 मिनट का रहा था वो, 4 मिनट 25 सेकंड्स का है, हाँ गाइस 4 मिनट का है, गाइस छह मिनट का है यार ये तो, वो तो दिखा रहा है 4 मिनट का। तो गाइस ये तो गलत चीज हो गई, अब हमें बनाना है एक क्रीपर फार्म, जहाँ पर पैदा तो अभी होंगे नहीं क्रीपर, तो फिर हम सेटिंग्स कर देते हैं अब इजी में, देख सर्वाइवल नहीं भाई क्रिएटिव ही, पीसफुल टू इजी ये करना है हमें, कोई किसी को काटेगा नहीं, और तू पहली बात सुन ले मेरी, अंदर आ जा तू मेरे घर के, आ जा अंदर आ जा, हाँ रुक जा इधर, बैठा रहेगा तू रात को अंदर हमेशा, अगर तू बाहर निकला
क्योंकि लोग वो काट लेगा एक डॉगी, ठीक है। कोई स्केलेटन तेरे को तीर से वार करेगा और तू मर जाएगा, ठीक है। तेरे को इधर ही रुक के रहना है, कहीं जाना नहीं है, ठीक है। बाय बच्चर। कोई अभी जॉम्बी वॉम्बी आया अभी तक? नहीं ना। चल बेटा अंदर जा तू, मैं भी शीप ना दिखाऊं भाई उसको। मैं भी अब हमें क्या चाहिए होता है भाई? कोबल स्टोन को अभी यार बाद में बनाएंगे यार। क्रीपर फार्म फार्म बेटे, ये क्या है? मैं ये क्या देख रहा हूँ? यहाँ पर देखना, जहाँ पर लाइट होगी ना, ये उसके नीचे नहीं आएंगे। तो मैं गाइस ऐसे ही लगाना होगा कहीं ना कहीं पर। तो इसके नीचे स्पेशली गाइस बहुत ज़्यादा लाइट करनी होगी मुझे, ये तो क्योंकि गाइस सीधा अंदर आके छुपे रहेंगे यहाँ पर, नीचे स्पॉन होते ही रहेंगे गाइस। यहाँ पर तो बहुत अंधेर है। मारोगे किसको तुम भाई? जान ही नहीं इनमें। जा निकल, चल निकल, चल निकल, चल। बोलो विलेजर को जाकर सो सो, चल कर सो घर में जा। पागल बंदा। गाइस मेरे को रात को से प्रोटेक्शन देनी बहुत ज़रूरी है, अगर कोई भी आ गया उसको मारने के लिए तो वो गया। गाइस घर के अंदर जा, ले जाए भाई, खोल दे दरवाजा, जा अंदर घर में, चल घर में चल, वरना मैं तेरे को यहीं पे मार दूंगा। चल घर में, और कोई गम भी तो नहीं आ रहा? यार मेरे पास बेड ही नहीं है यार सोने के लिए। अच्छा हाँ, ऊपर भी तो एक बेड रखवाना पड़ेगा भाई। हाँ ये सीन हो जाएगा गाइस, वरना टॉप फ्लोर पर, वरना वो जॉम्बी बन जाएंगे सारे विलेजर जो सो नहीं पाते ना, वो बन जाते हैं सारे। किधर है भाई वो? बन गया वो? नहीं बना, नहीं बना। बेड ले, सो जा। इसके जो ऊपर रहते हैं जो हाई लेवल के ना, उनके लिए बेड भी रखूंगा मैं साइड में। ओ भाई सो सो, डबल बेड आ जा। ओके गाइस रात हो चुकी थी और मैं सो चुका हूँ अपने विलेजर भैया के साथ। एंड नीचे का भी मौसम देखते हैं क्या चल रहा है। बारिश करा दो भैया, सारे जलो तुम जलो। हाँ ओके, तो अभी गाइस सारे वो चले गए हैं ज़ॉम्बी, वो जल नहीं रहे अब। उठ जा भाई, सुबह हो गई, आ जा। चलो भाई अब का काम क्या है हमारा अभी का? कि वीडियो एंड करनी है। नहीं अभी नहीं करेंगे गाइस, अंडा हैच करना है हमें, अंडे हैच करने हैं गाइस हमें अभी यार। भाई बच्चे कैसे निकालते हैं यार अंडे से? ये खुद निकालते हैं ना? अच्छा अंडे पका कर खा सकते हैं? यस खा तो सकते हैं हम, खाने तो चाहिए। फ्रेश ही पका के दे दो। गन पाउडर पे गन बना लें, गन पाउडर से माजी बम बनाएंगे, रात को फिर फोड़ेंगे। अरे घोड़ा भी मिल गया, घोड़ा भी मिल गया, घोड़ा भी मिल गया, घोड़ा भी, हाँ घोड़ा मिल गया गाइस हमें। चलो तुम भी मेरे हाथ से, तू सबसे अलग रहेगा क्योंकि तू सिर्फ इसका घोड़ा है मेरा। क्या खाता है तू? व्हाट डू हॉर्सेस ईट इन माइनक्राफ्ट? भाई यार इसको वीट ही देता हूँ। भाई टेम हो जा। अच्छा इनके ऊपर तो बैठ कर टेम होते थे ना, सैडल। ओ
ओके तो गाइस मेरे गुड़ ने कपड़े पहन लिए, चिड्डा पहन लिया उसने अपना, और इसको बनाएंगे हम गोल्ड का एक क्यूब हॉर्स आर्मर। ओके आपसे तो भाई मेरा घोड़ा है, तेरे को और कोई कुछ नहीं बोलेगा यार, राइड। लेकिन ज़्यादा दूर नहीं जा सकता ना, बैठ बैठ ना, चले इधर से। तुझसे अच्छा तो वो दूसरा घोड़ा है, दूसरा वो लेजर है, सॉरी यार। स्लाइम को मारना है यार मुझे, ये बच्चे पैदा करता है अपने यार ये। यार कितने सारे हो जाते हैं, बहुत परेशान करते हैं यार, मारते भी हैं बाद में। इतना सारा स्लाइम पड़ा हुआ है आज यहाँ पर, तो सारे लेवल जल्दी से कलेक्ट करते हैं। भाई इसकी हाई स्पीड कितनी है, सारा सामान कलेक्ट करते हैं, घोड़े को वापस से लीड करते हैं, लीश करते हैं सॉरी। ओके तो मेरे पास अभी गाइस दो पेट्स हो चुके हैं, एक घोड़ा और एक कुत्ता। हुए हाँ तो उधर ही है ना, ठीक है हाँ चल अभी के लिए ठीक है गाइस। तो आज की वीडियो में हमने गाइस क्या बनाया है, छोटा सा फार्म, जिसको मैंने 26 मिनट निकाल दिया इस वीडियो में और कुछ बनाया नहीं। तो अभी हम वीडियो एंड करेंगे नहीं, हमें अभी स्टार्ट करना है ड्रैगन का बिल्ट। ड्रैगन का जो फेस होगा ना मेन, वो हमें ऊपर राइज अप करना है पहले। उसके लिए कोई ब्लॉक ले लेता हूँ, ब्लैक कोरल चाहिए मुझे ये, हाँ देखने में अच्छा ही लगता ना वो। छोटा सा ड्रैगन बनाया या बड़ा सा बनाया, पहले तो इसका ढांचा ऊपर ले चलता हूँ ताकि ऊपर तो लगा पाऊँ मैं, तो बाद में टूट टूट जाएगा गाइस, सारा फिक्र मत करो। तो गाइस इतना ठीक रहेगा मेरा ड्रैगन के लिए। ओके तो पीछे से स्ट्रेच करेंगे आगे से नहीं। ओके तो ये हमारा ड्रैगन का हो गया है बेस, जो स्ट्रेट लाइन जाएगी उसके अंदर से, और यहाँ पर ये एक ए एक और ड्रैगन बनाओ या कुछ और बनाओ ऊपर, ड्रैगन सही रहेगा वैसे तो ड्रैगन का, क्योंकि सींग भी डाल सकता हूँ ऊपर इसके। पहले तो एक लैंटर लगा लेता हूँ मैं यहाँ पर, इसके मुंह से आग भी निकालनी है, तो फिर रेड कलर का हमें चाहिए, रेड कलर कॉन्क्रीट किधर गए भाई, हाँ तो अब उसकी ज़रूरत है नहीं हमें, तो फिर रेड कॉन्क्रीट उसके मुंह से निकलेगा जो ऐसे करके ऐसे होगा। ओके उसके मुंह से जो आग निकलेगी ना गाइस वो ऐसी दिखेगी। तो अरे यार वो ड्रैगन अजीब से लग रहा है यार ये, हाँ तो फिर ऐसे करके आग होगी साइड से उसके थोड़े से निकलेगी जो। ओके ये मैं वही सोच रहा हूँ बस, मुंह कैसे बनाऊँ अपने ड्रैगन का, आग तो ऐसे निकल गई चलो ठीक है, बस इसकी आंखें और मुंह नहीं निकल पाएगा ऐसे गाइस। तो गाइस इसको मुंह आंखें वाला ड्रैगन नहीं कहेंगे हम इसे गाइस। ऑरेंज कलर का क्या चाहिए अब हमें, और क्या ले गाइस अपने पंख कौन से कलर के रखे, ऑरेंज ही सही लगेंगे, ऑरेंज एक दो तीन चार
एक दो तीन चार, अभी तो बटन ड्रैगन कम बटरफ्लाई ज्यादा लग रहा है मेरा। एक दो, एक दो तीन है, तीन ओके। तो मेरे गाइस पंख भी रेडी हो चुके हैं अभी ड्रैगन के। ओके यहाँ पर भी ओके। यहाँ पर गाइस मेरी बैठने की जगह, मतलब कुशन दूंगा ये। तो ड्रैगन की पूंछ भी बनानी है हमें, तो पहले इतना छोटा तो ड्रैगन होगा नहीं, और तो फिर हम इसकी पूंछ बनाएंगे ऐसे, स्टेयर्स टाइप बना देंगे इसकी पूंछ में गाइस। लाइटर ही लेकर जाएंगे इसकी पूंछ के ऊपर, तो ऐसे बना दिया एक। और एक लास्ट में होता है ना वो उसकी पूंछ पर ऐसे कुछ, ये रेड सा वो भी हो गया, तो पूंछ हो गई है गाइस। ये बिना मुंह वाला ड्रैगन है। ड्रैगन गाइस ज़्यादा अच्छा नहीं बन रहा मेरा, लेकिन लेकिन फिर भी ठीक है। एक आइडिया आया गाइस बस मुझे अपने ड्रैगन के लिए, और वो बस सही लग जाए। ये तोड़ेंगे हम इसका, ये एक लगाया, हेड चाहिए हमें एक। ओ गाइस ड्रैगन हेड ले सकता हूँ गाइस मैं से, वैसे तो गाइस मैं इसके बिना भी लगा सकता था ऐसे। अबे ये तो ठीक है, फिर उसके बिना ही हो जाएगा मेरा। मैं भी इतना सोच रहा था गाइस उसका ड्रैगन हेड आ तो गया। गाइस ठीक है, ड्रैगन हेड लगा लिया हमने। ड्रैगन हेड के मुंह से आग निकल रही है ऐसा दिखा दिया हमने। अब मेरे को ऐसे 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 ऐसे। अब इतना ऊंचा थोड़ी ना होता है वो, क्या इतना ऊंचा ले जाएगा इसमें वो। ओके तो गाइस मेरा ये हो चुका है अभी। अब इसके हम रेड कॉन्क, अबे रेड कॉन्क्रीट किधर रख दिया मैंने अपना, मैं छोड़ा है गाइस वो भगवान के पास में। ओके तो फिर एक दो तीन चार, एक दो तीन चार। ड्रैगन का हेड की गाइस ज़रूरत थी तो वैसे इतनी ही सही लग रहा है यार। अब बेइज्जती मत करना, पूंछ थोड़ी सी एक्सटेंड बाद में करेंगे हम, अभी की सही नहीं लग रही पूंछ, अभी लगा दी अगर मैंने तो ड्रैगन अभी और एक्सटेंड होगा थोड़ा सा, ये भी अभी एंड नहीं होगा ऐसे। ओके तो हाँ ठीक है, ड्रैगन का हेड हमने कर लिया पूरा, और उसके ऊपर जो होता है ना वो भी हमने लगा लिया। अभी यार ये ज़्यादा ही लंबा लग रहा है यार मुझे देखने में दूर से, है ना। कमेंट करके बताना गाइस अगर वो ज़्यादा लंबा लग रहा था आपको। पंख लग रहे थे गाइस वो तो उसको ऊपर के। ड्रैगन अब ऐसा सही लग रहा है गाइस, कोट आउट से भी अगर हम देखेंगे ना तो फिर हमारा सही लगेगा ड्रैगन। इसे बस नीचे से थोड़ा सा काट देता हूँ मैं, थोड़ा काट देता हूँ गाइस जल्दी जल्दी मैं। नीचे आ जाते हैं हम, पूरा खत्म हो ही गया। ज़ोंबी से डरूंगा मैं, क्रिएटिव मैं हूँ बेटा, क्या बिगाड़ लोगे तुम मेरा बताओ। सेट टाइम एज डे कर दूंगा मैं। अभी आ रहे नीचे क्यों आ गए मेरे ड्रैगन के, ये सब जल्दी बनना चाहिए। चलो तुम चलो, गए वो भी। ये लो देखो गए।
थोड़ा सा गाइस और एक्सटेंड। हाँ अब बस इसकी ये इसकी ऐसे पूंछ आएगी। तो गाइस हमारा ड्रैगन भी रेडी हमने कर ही लिया गाइस इस वीडियो में। तगड़ा लगेगा गाइस का ड्रैगन तो ऐसा मेरा, ये मेरा पेट ड्रैगन है गाइस। यार एक आइडिया आ रहा है यार मुझे, बस वो सही लग जाए। एक दो तीन चार पाँच स्किप कर लिया। हाँ गाइस सब सही लग रहा है, थोड़ा सा वैसे बेटर है। ओके तो सही गाइस मेरा। अबे मैंने अपनी वीडियो ही नहीं ऑन करी गाइस, मेरा ड्रैगन कंप्लीट हो गया। देख लो सामने है ये रहा ड्रैगन, ये देखो सही लग रहा है ना ड्रैगन। मैंने अपना आर्मर भी गाइस अभी अभी इंचांट किया है जस्ट, आपके मेरी वीडियो पॉज रह गई गाइस पूरे टाइम ही यार, वही दिक्कत हो गई ना। कोई नहीं अभी अपना अपनी स्वॉर्ड के ऊपर फायर एस्पेक्ट लगाएंगे, तो फिर लगाते हैं जल्दी से। एनविल ढूंढता हूँ मैं, एनविल 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 ठीक है। हाँ यहाँ पर ही ठीक है, चलो फायर एस्पेक्ट फायर एस्पेक्ट आ जाओ। इसके ऊपर नहीं लगेगा, अबे लगता तो था यार, अबे फायर शिट कैसे क्या कर देता हूँ यार मैं। फायर एस्पेक्ट टू लेंगे, फायर प्रोटेक्शन ले रहा हूँ भाई मैं, वाह अपने आर्मर पे लगाएंगे ना फायर फायर प्रोटेक्शन 4 लेवल की। फायर प्रोटेक्शन 4, 1 2 3 4 चार बुक्स लगेंगी। नहीं लगेगा, अबे यार इसके ऊपर भी नहीं लगेगा, इसके ऊपर भी नहीं लगेगा, इसके ऊपर भी, इसके ऊपर भी नहीं लगेगा, इसके ऊपर भी नहीं लगेगा भाई, किसी भी चीज़ के ऊपर नहीं लगेगा। शिट तो छोड़ो गाइस इसको, फायर प्रोटेक्शन को। अब लाइब्रेरी भी हमने गाइस नेक्स्ट, एक बार ना आपको मैं बाहर से व्यू दिखा देता हूँ अपने इस कॉलोनी के ड्रैगन का पूरा। मैंने अभी भी कुछ ठीक भी किया इसको, पहले हमने उसके पंख के अंदर और इन्होंने डाले थे ना, मैंने अब रेड रेड कर दिया उसे। अब भाई ये क्या कर दिया मैंने, बीच में से काट दिया उसे, ऑरेंज ऑरेंज अच्छा। तो अबे क्या कर दिया था मैंने उसके पंखों का। तो गाइस देख लो एक बार, यहाँ पर मैं चिल विल मार सकता हूँ अपना पूरे टाइम में। ड्रैगन हेड अटैच कर दिया मैंने, सब कुछ हो गया गाइस सब हमारा आज के वीडियो का। ओके रुको, ये दो काटने ही पड़ेंगे, सही नहीं लगेगा वो ऐसे। अबे ये क्या कर दिया था मैंने। ओके हाँ अब सही लग रहा है। अबे एक बार अगर मैं इसके बिना देखूं तो ये अजीब लग रहा है ना, हाँ यही सही लगेगा ऐसे। तो हाँ ओके, आज की वीडियो में गाइस हमने ड्रैगन बना लिया एक, कोर्ट हाउस के अंदर फर्नीचर लगा लिया हमने, नीचे फार्म बना लिया एक छोटू सा हमारा तगड़ा सा, एनिमल्स वाला ये दो पेट्स रख लिए अपने ड्रैगन के अंदर बैठ के, आज वीडियो एंड करते हैं चलो फिर। तो गाइस आज की वीडियो के सिर्फ इतना ही, मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय।